स्वागत है आप सबका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं हिमटेक। तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। न्यू ट्रिक है दोस्तों ये, बिल्कुल जी हाँ न्यू ट्रिक है ये। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले आप लोग या तो पेज़ैप से कर रहे थे ट्रांसफ़र फ्री में, तो अब जो है पेज़ैप ने इस पे 2% का इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया है। मतलब तो हम सब पे थोड़ी सी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि 2% नहीं दे तो उसके लिए फ्री में आप कैसे ट्रांसफ़र करें अपना पैसा, वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, तो पेज़ैप का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और साथ में हम करेंगे एक नई एप्लीकेशन फ़ोनपे का। जी हाँ फ़ोनपे का यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो हो सकता है ये वीडियो बन जाए थोड़ी सी लंबी, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो दोस्तों ये मैं आपको करने बता रहा हूँ दूसरे अपने हैंडसेट पे। तो देखिए आप फ़ोन पे जो है आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद उसमें रजिस्टर होके आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आप जाएंगे माई अकाउंट पे, यहाँ पे ये बाउंस दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक UPI अकाउंट जो है वो अपने अकाउंट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले लिंक कर रखा है, तो चलो मैं आपको इसको अनलिंक करके फिर से आपको दिखाता हूँ करके। जी हाँ दोस्तों, ऐड न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी गलत बैंक सेलेक्ट हो गया दोस्तों, गलत बैंक हो गया सेलेक्ट, चेंज बैंक, मेरा HDFC बैंक है दोस्तों, तो मैं HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इस पे ये करेंगे आपका जो है बैंक के अकाउंट जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन उठा लेगी। बट शर्त इसमें ये है कि आपके उस वाले मोबाइल में, जैसे मैं ये वाला मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें वही वाली आपकी सिम डली होनी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है मोबाइल नंबर। तो उसके बाद यहाँ से आप जो है सेट UPI पिन कर लेंगे। अगर आपके पास UPI पिन नहीं है, आपने करा हुआ पहले, यहाँ से आप करके इसको आगे, ये देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना जो है बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इस पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी दोस्तों, तो आप भर लीजिएगा। यहाँ पे ये डिजिट लास्ट के 6 डिजिट मांगता है ये दोस्तों, ठीक है, लास्ट के 6 डिजिट आप डाल देंगे इसमें, और नीचे जो है वो एक्सपायरी डेट, एंड देन यहाँ पे आएगा एक CVV कोड नंबर डाल देंगे उसमें, और आप जो है UPI पिन सेट कर लेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी है दोस्तों, तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पर, आप कर लीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है दोस्तों कि UPI पिन नंबर जो है वो डिफरेंट होता है ATM पिन से, ठीक है। गॉट इट, तो ये आ गया दोस्तों एक जो पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप के यहाँ तक आपका दोस्तों सबका पूरा होना चाहिए, अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पेज़ैप एप्लीकेशन के ऊपर इसका अगला स्टेप है, तो मैं आपको वो बताता हूँ अपने इस वाले मोबाइल पे। पेज़ैप ऐप खोलेंगे आप,
अपने पेजैप वॉलेट में आप उतना ही पैसा रख लेंगे जितना आपको ट्रांसफ़र करना है मोबाइल में, अपने वॉलेट में आप जो है उसको लोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट इसका यही एक तरीका है। तो दोस्तों यहाँ से मैं वॉलेट में 1000 रुपीज़ डाल रहा हूँ ऐड मनी। ये मेरा जो है क्रेडिट कार्ड है, ऐड मनी कर देता हूँ मैं। आप सबको पता है कि पेज़ैप में कैसे डालते हैं, मैं वॉलेट में मनी कैसे लेके आते हैं, तो वो चीज़ में यहाँ पे आपको स्किप कर मतलब शॉर्टकट पे बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे वॉलेट में आ गए 1000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके आगे का क्या प्रोसीज़र है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपने दूसरे वाले मोबाइल पे चलेंगे। आपको पता रहे होगा कि दोस्तों पेज़ैप जो है एक आपको वीज़ा कार्ड, वर्चुअल वीज़ा कार्ड प्रोवाइड करता है, जो कि ये है। ठीक है दोस्तों, तो अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पे चलेंगे आप, और यहाँ पे जो आपका वॉलेट बैलेंस है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 1000, और यहाँ पे दिख रहा है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा डेबिट कार्ड आप डालोगे दोस्तों, जो आपका पेज़ैप वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो अपने पेज़ैप के कार्ड की डिटेल है, जो वर्चुअल पेज़ैप का मेरा कार्ड है, यहाँ पे मैंने डाल दी है वो सारी डिटेल्स। देखिए CVV कोड डाल दिया है, वैलिड अप टू जब तक जहाँ तक है वो डाल दिया है, और टॉप ऑफ वॉलेट में क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब ये देखो वर्चुअल पेमेंट पे आ गया। अब यहाँ पे जो ये सिक्योर पिन दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपने जैप पे एप्लीकेशन को खोलने का जो आपका पिन है वो आप यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। तो मैं डाल देता हूँ, और प्रोसेसिंग। Please wait. ये देखिए दोस्तों मेरे पेज़ैप के वॉलेट में जो है पैसे आ चुके हैं अभी। अब मैं इसको जो है विड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, और ये देखिए 1040 रुपीज़ है यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों। इसको मैं ऐसे पकड़ूँगा और उस नीचे ड्रैग कर दूँगा, तो ये जो बैलेंस है ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है अभी। योर वॉलेट विदड्रॉ रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यू विल बी नोटिफाई एज सून एज योर मनी रिचेज योर अकाउंट 20 नवंबर 2017। तो दोस्तों ये जो है ये एक फ्री ट्रिक है अपना पैसा वॉलेट में भेजने के लिए। जैसे ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आ गई है, इसके हो सकता है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है दोस्तों ये बैंक अकाउंट में आने के लिए पैसा, तो ये आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए अभी
थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आ चुका है कि मेरा अकाउंट बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे बैंक में। तो देखिए, 1040 रुपये 20 तारीख की डेट में आज आज दिखाई दे रहा है। देखिए नरेशंस के आगे देखिए, IMPS मार्ट प्राइवेट लिमिटेड HDFC विदड्रॉ, ये जो है वो बैलेंस आज मेरे इसमें अभी जो मैंने आपको फ़ोन पे के थ्रू करके दिखाया था वो मुझे मिल चुका है। तो इसमें लग गया है 10-15 मिनट के बाद ही मुझे मैसेज आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ये रास्ता आपको नया पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर और लाइक करना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।